वेलकम बैक टू मालविया कैट सॉल्यूशन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट। ये एक डॉग चक है जिसमें 4 जो लगे हुए हैं। तो हम सबसे पहले इसके सारे पार्ट्स क्रिएट करेंगे, उसके बाद इसकी असेंबली क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो मेन बॉडी है वो हम क्रिएट करेंगे। तो इसका ड्राइंग पहले हम समझ लेते हैं। ये देखिए, इसका 2D ड्राइंग है जिसमें देखिए, ये यहाँ पे हमने ये टॉप व्यू है, ये देखिए टॉप व्यू में हमने इसके जो भी कट्स है और होल है वो यहाँ पे मेंशन किए। ये देखिए 22.5 डिग्री में हमने एक स्लॉट की क्रिएट किया है और एक स्लॉट किया है 45 डिग्री में यहाँ पे, और इस स्लॉट को इसके मिड लाइन से मिरर कर दिया है। यहाँ पे 4 होल दिए हैं, यहाँ पे काउंटर बोर है। काउंटर बोर में देखिए यहाँ सेक्शन सी में हमने यहाँ पे मेंशन किया है इसके साइज। ये देखिए इसका जो कोटेशन है, जो काउंटर है वो 30 mm है, मैन होल 20 mm, ये देखिए, और इसकी काउंटर की डीप है 28 mm। और ये डिटेल व्यू है इसका, जो जिसमें जॉ लगने वाला है वो यहाँ पे हमने मेंशन किया है। ये देखिए इसके जो स्लॉट है, जो भी हमने यहाँ पे स्लॉट क्रिएट किए, इसकी साइज यहाँ पे मेंशन की है 14 mm और 13.2 mm। इसकी रेडियस 18.6 एंड सर्कुलर 37.2। फिर यहाँ पे देखिए इसका जो एक सेक्शन यहाँ पे सी वाला यहाँ पे किया है, इसमें यहाँ के इसकी जो रिब है वो 25 डिग्री में हमने क्रिएट की है। और यहाँ पे देखिए इसके सारे डायमेंशन हमने mm में मेंशन किए हैं, मतलब mm साइज में हमने सब पूरा ड्राइंग क्रिएट किया है। और चैम्फर इसकी इनर आउटर जो सर्कुलर डायमीटर पे हमने अप्लाई की है वो 5 mm है। सर्कुलर एजेस चैम्फर 2 mm है, बॉटम एजेस फिलेट 6 mm एंड कॉर्नर एजेस फिलेट 10 mm। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका डिज़ाइन। तो हमने यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर ली है। तो सबसे पहले टॉप प्लेन सिलेक्ट करेंगे। टॉप प्लेन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेंटर सर्कल क्रिएट करेंगे, फर्स्ट एंड टू। इसके डायमेंशन डिफाइन करने हैं हमें 609.6। ये आउटर डाया, इनर डाया है 160 mm। सिंपली इसे ओके कर देना है और फीचर में जाना है, एक्सट्रूड बॉस बेज अप्लाई करेंगे। एक्सट्रूड बॉस बेज अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे ब्लाइंड कंडीशन इसका मिड प्लेन रखना है और इसकी हाइट रखनी है 158 mm और ओके कर देना है। फीचर में जाना है, सॉरी चैम्फर में जाना है, यहाँ पे चैम्फर अप्लाई करनी है हमें। चैम्फर यहाँ पे 5 mm जो हमने ड्राइंग में मेंशन किया है, इसके आउटर और इनर सर्कुलर एजेस को, सर्कुलर एजेस की चैम्फर हमें 5 mm अप्लाई करनी है। सिंपली इन दोनों फेस को सिलेक्ट कर देना है और ओके कर देना है। अब हमें फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करना है। फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे एक सेंट्रल लाइन हम क्रिएट करेंगे इस तरह से।
फिर एक सर्कल यहाँ पे क्रिएट करना है। फिर लाइन, फर्स्ट इस तरह से हमें ड्रॉ करना है ये। और इस होल सर्कल के साथ मिला देना है। देखिए अब इसका डायमेंशन हम अप्लाई करेंगे। इस लाइन को सिलेक्ट करना है और सेंटर लाइन को सिलेक्ट करने के बाद इसकी फुल साइज हम 49 अप्लाई करेंगे और इस वाले अंदर वाली जो साइज है, जो लाइन है उसे 34, इसकी साइज 34 रखेंगे हम। अब सिंपली इस लाइन को सिलेक्ट करना है होल कंट्रोल की और इस लाइन को सिलेक्ट करना है और मेक रिलेशन कोलिनियर कर देना है। फिर से इस लाइन को सिलेक्ट करना है, इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इस लाइन को सिलेक्ट करना है। इन तीनों लाइन को सिलेक्ट करने के बाद इसको भी मेक रिलेशन कोलिनियर और ओके करना है। अब इस होल के सेंटर पॉइंट से इसकी हाइट है 79 mm। ये वाला डायमेंशन हम बाद में अप्लाई करेंगे। इसका डायमीटर हम ले लेते हैं 37.2। इसकी वेट रहेगी और अंदर वाले 14 mm। सिंपली इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इस लाइन को भी सिलेक्ट करना है, मेक रिलेशन इक्वल। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड अब इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इस लाइन को सिलेक्ट करना है, मेक रिलेशन इक्वल। अब सिंपली हमें इस बॉटम लाइन को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट की को होल्ड करके रखना है और 64 इसका डिस्टेंस है। ओके, मिरर एंटिटी, सिलेक्ट दिस लाइन, इन सभी लाइनों को हमें सिलेक्ट करना है, मिरर अबाउट दिस सेंटर लाइन और ओके करना है। ट्रिम एंटिटी में जाना है और इस सर्कल को ट्रिम कर देना है। तो देखिए हमारा स्केच तैयार हो गया है, हमने जो ड्रॉ किया है। फीचर में जाना है और एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है। ब्लाइंड कंडीशन,
थ्रू ऑल, और ओके करना है। देखिए इस तरह से ये कट लग चुका है यहाँ पे। अब हमें सर्कुलर पैटर्न अप्लाई करेंगे यहाँ पे। सर्कुलर पैटर्न में जाके हमें जो हमने कट लगाया उसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे इसका डायरेक्शन, इस डायमीटर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे इक्वल स्पेसिंग सिलेक्ट करना है हमें, और नंबर ऑफ पैटर्न 4, और ओके करना है। इस फेस को सिलेक्ट करना है स्केच, जो फर्स्ट वाला स्केच हमने क्रिएट किया था उसे शो कर देना है। सिलेक्ट लाइन एंड ऑफसेट, तो ऑफसेट यहाँ पे कितना रखना है हमें, 32। रिवर्स साइड, और ओके करना है। फिर से इसे सिलेक्ट करना है, ऑफसेट रिवर्स 32, ओके। फिर से इसे सिलेक्ट करना है सर्कल को, ऑफसेट 32 एंड रिवर्स। फिर से इसे सिलेक्ट करना है, ऑफसेट 32 रिवर्स, ओके। सर्कल को सिलेक्ट करना है, ऑफसेट रिवर्स 32। इन सब का गैप 32 हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। एक और सर्कल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं हम, ऑफसेट रिवर्स एंड ओके। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे ये छह सर्कल हमने क्रिएट किए। तो सबसे पहले हम फिर फीचर में जाएंगे। फीचर में जाके एक्सट्रूड कट, एक्सट्रूड कट में हमें ये वाली लाइन सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे लाइन को सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे देखिए थीन फीचर शो हो रहा है, इसे ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे वन डायरेक्शन लिखा है, तो वन डायरेक्शन मिड प्लेन और टू डायरेक्शन, तो हमें मिड प्लेन सिलेक्ट करना है। मिड प्लेन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 2 mm इसकी थिन इसकी जो थिकनेस है हमें वो 2 mm अप्लाई करनी है यहाँ पे, और इसकी जो डेप्थ है, जो कट हमें लगाना है वो 3 mm डीप में कट लगाना है। यहाँ पे इसका एंगल 45 डिग्री में क्रिएट करना है, और सिंपली ओके कर देना है। तो देखिए ये इस तरह से कट लग जाएगा यहाँ पे। फिर से एक्सट्रूड कट में जाना है, वही सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। ये जितनी भी लाइनें हैं हमें सब में यही प्रोसेस करनी है।
ब्लाइंड 3 mm, 45 डिग्री, थिन फीचर, मिड प्लेन 2 mm एंड ओके। फिर से इस लाइन को सिलेक्ट करना है, एक्सट्रूड कट, ब्लाइंड 3 mm, 45 डिग्री, इसका एंगल 45 डिग्री में हमें क्रिएट करना है, थिन फीचर, मिड प्लेन एंड 2 mm, ओके। ये सब लाइन में यही प्रोसेस हमें अप्लाई करनी है, 3 mm, एंगल 45 डिग्री, थिन फीचर, मिड प्लेन एंड ओके। तो देखिए इस तरह से हमारे सारे कट्स यहाँ पे अप्लाई हो गए हैं। इसे हम क्लोज हाइड कर देते हैं। देखिए इस तरह से सारे कट्स लग चुके हैं। अब हम बॉटम फेस को सिलेक्ट करना है और स्केच, यहाँ पे स्केच क्रिएट करेंगे, एक सर्कल क्रिएट करना है हमें। इसका डायमीटर रहेगा 282.3 × 2 और ओके। इस सर्कल का डायमीटर हमें क्रिएट करना है और ओके करना है। यहाँ पे एक सेंटर लाइन हम क्रिएट करेंगे, इस तरह से एक लाइन क्रिएट करेंगे। मिरर एंटिटी लाइन को सिलेक्ट करना है और इस सेंटर लाइन को मिरर अबाउट दिस सेंटर लाइन और ओके करना है। अब इसकी इन दोनों का गैप 68 mm अप्लाई करना है। सर्कुलर स्केच पैटर्न में जाना है हमें। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, ओरिजिन पॉइंट को, नंबर ऑफ पैटर्न 4, और हमें सिलेक्ट करना है इस लाइन को और इस लाइन को सिलेक्ट और ओके कर देना है। अब ट्रिम एंटिटी में जाएंगे, पावर ट्रिम सिलेक्ट करेंगे और सिंपली इस तरह से ड्रैग कर देना है, इस लाइन को डिलीट करना है। फीचर में जाना है, एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है, ब्लाइंड कंडीशन 125,
125 डीप में इसको कट लगाना है हमें। फिर से फेस को सिलेक्ट करना है, स्केच, यहाँ पे एक सेंटर सर्कल क्रिएट करेंगे। इसकी साइज रहेगी 565 mm। फीचर में जाना है और एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है। 10.5 mm। चैम्फर, टेन एम एम, इनर एज को हमें सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। सिलेक्ट फेस, स्केच, यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट करेंगे। सर्कल का डायमीटर 260 mm। एक्सट्रूड कट, एक्सट्रूड कट ब्लाइंड कंडीशन और डीप रहेगी 10 mm। सिलेक्ट दिस फेस, स्केच, फिर से यहाँ पे एक होल सर्कल क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं, सेंटर लाइन इस तरह से, और यहाँ पे सर्कल क्रिएट कर देते हैं। सर्कल का डायमीटर 38 mm। और इसकी लेंथ रहेगी 260.3। सिंपली फीचर में जाना है और एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको सिलेक्ट क्या करना है, ब्लाइंड कंडीशन यहाँ पे अप टू सरफेस हमें सिलेक्ट करना है। और सरफेस कौन सी सिलेक्ट करनी है, ये फर्स्ट वाला जो है स्लॉट, इसकी फेस हमें सिलेक्ट करनी है और ओके कर देना है। अब हम सर्कुलर पैटर्न में जाएंगे। सर्कुलर पैटर्न में जाने के बाद हमने ये कट लगाया, इसे सिलेक्ट करना है और इसका डायरेक्शन डायमीटर इसको सिलेक्ट करना है। नंबर ऑफ पैटर्न 4, 360 डिग्री, ओके। चैम्फर अप्लाई करेंगे 2 mm, सिलेक्ट दिस एज, ये सारी एजेस को हमें सिलेक्ट कर देना है।
और ओके कर देना है। फिर से चैम्फर अप्लाई करनी है 5 mm। और ओके करना है। फिलेट अप्लाई करेंगे 10 mm। 10 mm हमें ये साली इन कॉर्नर एजेस को सिलेक्ट करना है। और ओके कर देना है। तो अब हम ये फेस सिलेक्ट करेंगे स्केच, और यहाँ पे लाइन क्रिएट करेंगे सेंट्रल लाइन। इस तरह से लाइन क्रिएट करेंगे सेंट्रल लाइन, और इसका एंगल होगा 45 डिग्री। यहाँ पे कोइंसिडेंट रिलेशन है, इसे डिलीट कर देते हैं हम, और इसका एंगल 45 डिग्री अप्लाई करना है। और यहाँ पे 3 point कॉर्नर रेक्टेंगल क्रिएट करना है हमें। सिंपली इस लाइन को और इस लाइन को होल्ड कंट्रोल की मदद से सिलेक्ट कर देना है और सिमेट्रिक कर देना है। यहाँ भी कोइंसिडेंट रिलेशन है, इसे डिलीट कर देना है हमें। इसकी हाइट बढ़ा देनी है और यहाँ से ये हाइट बढ़ा देनी है इस तरह से। इसकी विड्थ हमें अप्लाई कर देनी है 50 mm, और ओके करना है। फिर इस सर्कल को हमें सिलेक्ट करना है कन्वर्ट एंटिटी, और इस आर्क को सिलेक्ट करना है कन्वर्ट एंटिटी। पावर ट्रिम डिलीट, अनवांटेड लाइन है इसे डिलीट कर देना है।
कि हमारा स्केच तैयार हो गया है और फीचर में जाएंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस अप्लाई करना है, ब्लाइंड कंडीशन 8 mm, इसकी हाइट 8 mm हमें अप्लाई करनी है और ओके करना है। सर्कुलर पैटर्न में जाएंगे, बॉस एक्सट्रूड हमें सिलेक्ट करना है और सर्कुलर डायमीटर सिलेक्ट करना है और ओके। 4 नंबर ऑफ पैटर्न, देखिए यहाँ पे हमने जो बॉस एक्सट्रूड किया था वो 4 पैटर्न में क्रिएट हो गया है। अब हमें यहाँ पे रेफरेंस ज्योमेट्री में जाके प्लेन क्रिएट करना है, फर्स्ट रेफरेंस एंड सेकंड रेफरेंस। ये देखिए इसके बीच में, ये इसके बीच में सेट हो गया है प्लेन, दोनों के सेंटर में इस प्लेन को क्रिएट किया हमने और स्केच। तो अब हम यहाँ पे एक रिब क्रिएट करेंगे, इसका डायमेंशन यहाँ से इस बॉटम एज की एज का डिस्टेंस है 10 mm, और इसका एंगल रहेगा 25 डिग्री। और ओके कर देना है, इसे एग्जिट कर देना है। अब हमें फीचर में जाना है और रिप को सिलेक्ट करना है, वो जो हमने लाइन खींची थी उसे सिलेक्ट करना है। फ्लिप मटेरियल साइड, ये अंदर की साइड में हमें रिप को क्रिएट करना है। रिप की विड्थ रहेगी 12 mm, डिग्री 1। और ओके कर देना है। फिलेट में जाना है, फिलेट में जाने के बाद यहां पे देखिए फुल राउंड फिलेट है, हमें ये सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट फेस, सेकंड फेस एंड थर्ड फेस। देखिए इस तरह से फुल राउंड इसकी फिलेट अप्लाई हो गई है। सर्कुलर पैटर्न में जाएंगे, सर्कुलर पैटर्न में जाने के बाद यहाँ पे फर्स्ट रिब एंड फिलेट, ये दो फीचर हमें सिलेक्ट करने हैं जो हमने क्रिएट किए थे, और सर्कुलर डायमीटर यहाँ पे डायरेक्शन में हमें सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। फिर से फिलेट सिलेक्ट करेंगे, फिलेट में जाने के बाद यहाँ पे देखिए हमें 6 mm की फिलेट अप्लाई करनी है।
फर्स्ट, सेकंड, इस तरह से ये चारों रिब का, रिब की जो एजेस है उसे सिलेक्ट कर देना है हमें। और ओके कर देना है। फिर से फिलेट सिलेक्ट करना है, 6 mm, 6 mm फिलेट, और फिलेट अप्लाई करनी है अंदर की एजेस में, जो बॉटम वाली एजेस है उन्हें सिलेक्ट करना है हमें। देखिए इस तरह से इसकी जो सारी एजेस है हमें सिलेक्ट कर लिए और ओके कर देना है। अब टॉप फेस को सिलेक्ट करना है स्केच, और यहाँ पे सर्कल क्रिएट करेंगे। सर्कल का डायमीटर रहेगा 230 mm। सर्कल को सिलेक्ट करना है और फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए हमने इसे क्रिएट किया है, और सिंपली ओके कर देना है। अब इस फेस को सिलेक्ट करना है और होल विजार्ड में जाना है हमें। यहाँ पे हमें काउंटर बोर क्रिएट करना है, तो काउंटर बोर को सिलेक्ट करेंगे हम। यहाँ पे देखिए अनसीमेट्रिक हमें सिलेक्ट करना है, और हेक्स कैप स्क्रू इसे सिलेक्ट करना है। इसका डायमीटर M20 नॉर्मल। फिर यहाँ पे देखिए शो कस्टम साइज, ये अभी अनटिक है, तो इसे टिक करने के बाद देखिए इस तरह से आपको शो होगा। तो हमें इसका जो मेन होल है वो 20 mm यहाँ पे टाइप करना है, और काउंटर बोर इसका 30 mm, और इसकी डीप रहेगी 28 mm, और यहाँ पे इसकी ब्लाइंड कंडीशन थ्रू वॉल पोजीशन एस्केप की दबा के हमें बाहर निकलना। इसका डायमेंशन, इसके डायमेंशन हमें अप्लाई करने हैं, या इसका एंगल हमें सेट करना है। इस तरह से लाइन क्रिएट करके इसका एंगल हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे 45 डिग्री।
यहाँ पे देखिए फुल्ली डिफाइन हो गया है और ओके कर देना है। तो यहाँ पे फिर से हम सर्कुलर पैटर्न में जाएंगे, सर्कुलर पैटर्न में जाके इस काउंटर बोर्ड को हमें सिलेक्ट करना है और इनर फेस को सिलेक्ट करना है, सर्कुलर फेस को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। तो देखिए ये चार काउंटर बोर्ड क्रिएट हो गए हैं। यहाँ पे हम इसकी चैम्फर अप्लाई करेंगे। वन एमएम सिलेक्ट दिस फेस एंड स्केच। सेंटर लाइन यहां पे क्रिएट करेंगे। इसका एंगल हम यहां पे 45 अप्लाई करेंगे। स्ट्रेट स्लॉट हमें सिलेक्ट करना है यहाँ पे। इस तरह से एक स्लॉट क्रिएट करेंगे यहाँ पे और इसके इसकी लेंथ रहेगी 112 mm। विड्थ 20 mm। सिंपली इस होल को सिलेक्ट करना है और इस आउटर एज को सिलेक्ट करना है, मेक रिलेशन कोइंसिडेंट और ओके कर देना है। सिमेट्रिक कर देना है इसे, इस लाइन और सेंट्रल लाइन, और इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करने के बाद सिमेट्रिक अप्लाई कर देना है और फिर फीचर में जाना है, एक्सट्रूड कट, एक्सट्रूड कट अप टू 20 mm, 22 mm, 22 mm हमें यहाँ पे अप्लाई करना है इस तरह से। फिर से फेस को सिलेक्ट करना है, स्केच, स्ट्रेट, स्ट्रेट स्लॉट यहां पे क्रिएट करना है। इसकी विड्थ रहेगी 30 mm। सॉरी 35 mm इसकी विड्थ रहेगी।
ओके, और सिंपली हमें इस सर्कुलर लाइन को सिलेक्ट करना है और इस सर्कुलर लाइन को सिलेक्ट करना है, मेक रिलेशन कोसेंट्रिक, और यहाँ पे कोसेंट्रिक अप्लाई नहीं हो रहा है, इसके लिए हमें क्या करना है, इस लाइन इसका जो कोइंसिडेंट रिलेशन है इसे डिलीट करना पड़ेगा। सिलेक्ट दिस सर्कुलर लाइन एंड दिस सर्कुलर लाइन, मेक रिलेशन कोसेंट्रिक। सिंपली फीचर में जाएंगे, एक्सट्रूड कट, यहाँ पे एक्सट्रूड कट हमें अप्लाई करना है। अप टू सरफेस हमें सरफेस कौन सी लेनी है, तो अंदर वाली, और यहाँ पे देखिए ऑफसेट लिखा है, इस ऑफसेट को सिलेक्ट करना है फ्रॉम ऑफसेट 10 mm। रिवर्स साइड और ओके करना है। फिर से फेस को सिलेक्ट करना है, स्केच, सेंटर लाइन यहाँ पे दो क्रिएट किए, और इसका एंगल हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे 22.5 mm। फिर से यहाँ पे स्ट्रेट स्लॉट हम क्रिएट करेंगे, एक और यहाँ पे सेंटर लाइन क्रिएट कर देते हैं, यहाँ से हमें इसे मिरर करना है, इसलिए अब इसका इसके डायमेंशन हम अप्लाई कर देते हैं, इसकी विड्थ रहेगी 20 mm, लेंथ रहेगी इसकी 75 mm। डायमीटर को सिलेक्ट करना है, होल्ड शिफ्ट की और इसके सर्कुलर एज को सिलेक्ट करना है, और यहां से इसकी हाइट 0.5 mm रिलेशन हमने डिलीट कर दिया है। फिर से शिफ्ट की दबाना है हमें, इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इस सर्कुलर एज को सिलेक्ट करना है। यहाँ भी देखिए कोइंसिडेंट रिलेशन, इसे भी डिलीट करना है हमें। हमें जो डायमेंशन चाहिए वो ये डिलीट किए बिना आने वाले नहीं है। सिलेक्ट दिस एज एंड दिस एज 41 mm और ओके कर देना है। मिरर एंटिटी स्लॉट को सिलेक्ट करना है, मिरर अबाउट दिस लाइन, फीचर में जाना है, एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है हमें, यहां पे सिंपली थ्रू ऑल कर देना है और ओके कर देना है। सर्कुलर पैटर्न
वो इनर या आउटर किसी भी सर्कुलर फेस को हमें सिलेक्ट करना है, 4 नंबर ऑफ पैटर्न, एक्सट्रूड कट और ओके। सर्कुलर पैटर्न एडिट, और हमने यहाँ पे देखिए इस स्लॉट को सिलेक्ट नहीं किया है हमें, तो हमें इस स्लॉट को भी सिलेक्ट करना है, तो फर्स्ट एंड सेकंड और ओके कर देना है। देखिए इस तरह से जो चक की बॉडी है वो क्रिएट हो गई है, इसका अपीयरेंस हम अप्लाई कर देते हैं। अपीयरेंस देखिए स्टील में जाने के बाद आपको यहाँ पे ब्रश स्टील है इसे अप्लाई कर देना है। तो हम इसे सेव कर देते हैं, मैं अभी इसे डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहा हूँ। डॉग चक मेन बॉडी, आपको इसका ड्राइंग हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन भी आप दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।